कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत के भाजपा सरकार पर लगाए गए आरोपों पर भाजपा प्रवक्ता केदार गुप्ता ने पलटवार किया है। केदार गुप्ता ने सुप्रिया सुनेत पर हमला करते हुए कहा कि उन्हें कंगना रनौत के मंडी से चुनाव लड़ने को लेकर किए गए पोस्ट पर, राधिका खेड़ा के मसले पर मनोज शर्मा ने जो तंदूर कांड किया और जेसिका लाल हत्याकांड पर भी बयान देना चाहिए। केदार गुप्ता ने यह भी कहा कि सुप्रिया सुनेत को भूपेश बघेल सरकार के दौरान हुए महिलाओं पर अत्याचार नहीं दिखते। भूपेश बघेल सरकार में 6 महीने में 1294 रेप की घटनाएं हुई थी और हमारी सरकार में 600 हुई है। तो सुप्रिया सुनेत और कांग्रेस पार्टी रुदन कर रही है, हमारी सरकार अपराध पर काबू कर रही है, सूखे नशे पर भी नकेल कस रही है, भाजपा की सरकार महिलाओं को सम्मान देने का काम करती है। केदार गुप्ता ने आगे ये भी कहा कि अपराध का मूल जड़ भूपेश बघेल सरकार के दौरान सूखा नशा का कारोबार फला फूला था। उस नशे के कारोबार को हम खत्म कर रहे हैं। सुप्रिया सुनेत को अपने दामन में झांक कर देखना चाहिए कि क्या क्या दाग लगे हैं। कांग्रेस के नेता नशे का कारोबार करते हैं, भ्रष्टाचार में जेल जाते हैं और आज आप मुंह फाड़ फाड़ कर बोल रहे हैं। मेरे साथी भाई अनुराग अग्रवाल जी और आज की प्रेस ब्रीफ में उपस्थित सभी मीडिया के मेरे मित्रगण, बंधुगण, बहनें, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। बड़ी खुशी की बात है कि आज कांग्रेस पार्टी की मीडिया की चेयरमैन, राष्ट्रीय चेयरमैन सुप्रिया श्रीनेत्र जी का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ है। हम उनका छत्तीसगढ़ की धरा पर स्वागत करते हैं, परंतु आज उन्होंने जो प्रेस में बात कही है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर सुप्रिया जी भूपेश बघेल की सरकार में यहाँ आती और आई भी थी तो सारी जानकारी लेती तो आज उनके मुख से ये बात नहीं निकलती। मैं सुप्रिया नेत्र जी से ये पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने एक ट्वीट किया था, वो भी एक देश की महिला है, कंगना रनौत के बारे में उन्होंने कहा था कि वो मंडी से चुनाव लड़ रही हैं तो मंडी में भाव क्या देंगी। सुप्रिया श्रीनेत्र जी खुद महिला हैं और एक महिला के लिए मंडी और भाव शब्द का उपयोग करने वाली नेत्री, जो कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय मीडिया की चेयरपर्सन है, उनके विचार कैसे हो सकते हैं ये आप जान सकते हैं। अगर वो यहाँ रहती तो उन्हें मालूम होता कि राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस की राधिका खेड़ा को कैसे कमरे में बंद करके उनके साथ बदसलूकी की गई, दुर्व्यवहार किया गया और दुर्व्यवहार से वो इतने दुखी हो गई कि उनसे आंसू छलक छल चुके थे और वो पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखाने के लिए बाध्य हो गई। ये कांग्रेस पार्टी तो ऐसी पार्टी है। अगर मैं आपको थोड़ा पुराने दृश्य में ले जाऊं, मेरे कुछ नवयुवा साथी हैं यहाँ, शायद वो विषय को जानते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, पर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि एक तंदूर कांड हुआ था। वो तंदूर कांड में किसी ने रोटी नहीं सेकी थी, उन्होंने एक महिला के टुकड़े करके, बोटी बोटी काट करके, कांग्रेस के राजस्थान के मंत्री के बेटे मनु शर्मा ने बोटी बोटी काट करके जेसिका लाल की तंदूर में डाल दिया था और कांग्रेस पार्टी ने उफ तक नहीं की थी। ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र ऐसा है, इन्होंने कभी भी महिलाओं की तरफ सम्मान के दृष्टि से नहीं देखा। अगर राजनीति के क्षेत्र में संविधान बना था कि महिलाओं को 2/3 आरक्षण देना है तो कांग्रेस पार्टी ने कभी नियम नहीं बनाया, लगातार सत्ता में रहे। अगर कोई इसका नियम बनाया तो भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बनाया कि हम 33% आरक्षण देंगे। और अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं इस परिक्षेप में, तो आज हम मातारी वंदन योजना के तहत हमारी 70 लाख बहनों को, और आज तीजा पोरा का जो त्योहार एक साथ मन रहा है उसमें डायरेक्ट ट्रांसफर उनके खाते में दे रहे हैं। ये मातारी वंदन योजना का परिणाम है। मैं श्रीनेत्र जी को ये बात याद दिलाना चाहता हूं कि आप कोंडा गांव की अगर आज बात कर रहे हैं कि 15 दिन बाद FIR होता है, तो आपको ये जानना चाहिए कि आपके भूपेश बघेल के कार्यकाल में, तो आप झूठ बोल रही हैं, दूसरा आपके भूपेश बघेल के कार्यकाल में उसी कोंडा गांव में एक महिला के साथ रैप हुआ था, उसने फांसी लगाने का प्रयास किया था, पिताजी ने फांसी लगाने का प्रयास किया था, तब जाकर पुलिस ने FIR किया था और तब जाकर जांच हुई थी। इससे बड़ी बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, रतनपुर की बात। रतनपुर में एक बेटी के साथ बलात्कार होता है, उसकी माँ विधवा थी, माँ थाने में जाती है तो थानेदार उस विधवा को कहता है कि आप अनाचार करती है और उसे जेल भेज देता है।
और FIR बेटी के बलात्कार की नहीं लिखता, उस विधवा माँ को जेल भेज देता है। क्या आलम था आपके राज में, आपको याद है? और वो विधवा प्रलाप करती है जब हिंदू संगठन और भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है, जांच होती है तो TI को खाली ट्रांसफर किया जाता है और फिर उसके बाद उसको महिला को छुड़ाया जाता है। और फिर उस शेख साहब जिसको लड़की के साथ जो अपराध करते थे, बलात्कार करते थे, उसको सौंप दिया गया था क्योंकि माँ तो जेल चली गई थी। ऐसे जघन्य अपराध करने वाली कांग्रेस पार्टी आज महिलाओं के नाम से रुदन करती है, कहती है आधी आबादी को जगह नहीं है। अरे आधी आबादी को हम सर पर उठाकर रखते हैं, महिला हमारे लिए महिला नहीं, महिला हमारे लिए माँ होती है। हमने तो भारत को भी और धरती को भी माँ कहा है। सुप्रिया जी, आप किस लाइन पर देश को ले जाना चाहती है? हमारे लिए महिला प्रथम है और वही हमारी माता है। नवरात्र में हम सब उनकी पूजा करते हैं। दूसरी बात आपको बताना चाहता हूँ, वो कह रहे हैं कि 600 आंकड़े हो गए बलात्कार के। वो आप देखिए, अगर उनकी सरकार में 6 महीने का आंकड़ा आप उठाकर देखते हैं जनवरी 2023 से, तो 1294 बलात्कार की घटनाएं हुई थी, 1294 बलात्कार, और आज 600 है। 50% से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक्शन लेकर उसे कंट्रोल किया है। मित्रों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सारी चीजें चुस्त दुरुस्त चल रही थी, अर्थव्यवस्था से लेकर कानून व्यवस्था सब अच्छी थी। इन्होंने 5 साल मरा के खाली खेल खेला पैसे का, और पैसे की आड़ में जो सूखे नशे का कारोबार गली मोहल्लों तक पहुंच गया, छोटी छोटी बस्तियों में सूखे नशे की दुकानें खुल गई। आज भारतीय जनता पार्टी ने उसकी कमर तोड़ी है, और जब ये सूखा नशा पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाएगा, मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहता हूं कि अपराध सूखे नशे से किस बुरी कदर से प्रभावित होते हैं हमारे युवा और बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। आपको याद होगा, एक गूंगा बहरा व्यक्ति साइकिल में चल रहा था और पीछे से एक लेडी डॉन आती है जो सूखे नशे का कारोबार करती है। वो हॉर्न बजाने पे वो बहरा गूंगा आदमी साइड नहीं देता, उतर के उसका गला रेत देती है। गला रेतने के बाद पुलिस की गाड़ी में पुलिस उसे पकड़ती है, वहां से भी वो वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम में पोस्ट करती है। ये तो हाल पुलिस का था और ये स्थिति थी सूखे नशे के कारोबार करने वालों की। सूखे नशों का एक कारोबार का मैं बताता हूँ, जो औषधियां इस पर बिकती थी उसमें 809 जगह चेकिंग होकर अपराध दर्ज किए गए हैं, जो कांग्रेस के शासन काल में मात्र 608 थे। और आबकारी अधिनियम जो सूखे नशे का कारोबार था उसमें कांग्रेस पार्टी ने 15,500